Hello guys, this is Rupali Goyal and welcome back to Blogs by RG. So today I'm going to show how you can take public transport in Perth, Australia. So basically we are at the very beautiful place at Barrack Square. So आपको around यहाँ पे आसपास दिखाते हैं क्या कुछ है. हमारी बस आने वाली है 2 मिनट में, तब तक आपको आसपास दिखा देते हैं सारा कुछ. So as you can see यहाँ पर मेन ही इतने बड़े बड़े होटल्स एंड बिल्डिंग्स इसी साइड पर हैं. एंड कैन सी दिस इज द रिवर साइड. और यहाँ से आप लोगों को फेरी भी मिल जाती है, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंडर ही आती है. जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक स्टूडेंट कार्ड जो भी यूनिवर्सिटी से मिलता है उसके बैक पर ही वो स्मार्ट राइडर कार बन जाता है उनका. तो कंसेशन के अंडर जहाँ पर आपकी $4 to $5 की टिकट लगती है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ $2 या $0.80 ऐसे कुछ रह जाता है डिपेंडिंग ऑन द जोन. ओके, सो ये हम लोग लेने वाले हैं कैट बस. कैट बस बेसिकली सिटी के अंदर चलती है और ये स्टूडेंट्स या फिर किसी के लिए भी इट्स फ्री. यू कैन जस्ट सिट एंड गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो. तो हमारी यहाँ पर आती है एंड दिस इज़ द व्यू वी गेट. एंड लुक, हमारी बस आ चुकी है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ मास्क. वो आपको बस में बिना मास्क के नहीं बिठाएंगे. सो मेक श्योर यू ग्रैब एन मास्क बिफोर ट्रांसपोर्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन पर्थ. हेलो, दिस इज़ द प्रायोरिटी सीट फॉर व्हील चेयर्स. यू कांट सिट. Ring bell for Hay Street Mall. Yes, you have to ring that red button. अगर आपने जिस भी स्टेशन पर रुकना है ऐसे ये अभी आपको बेल की आवाज़ आई होगी. तो ये हेल स्ट्रीट मॉल पे रुकेगी जा सकते हमारे. उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेशन, तो हम लोग उस पर तब बेल दबाएंगे. एंड अब बिल्कुल आपका स्टेशन आ गया उस पर तो बेल नहीं बजानी. जब आपका स्टेशन आने वाला उससे 1-2 मिनट पहले ही बजा दो बेल, ताकि वो अलर्ट हो जाए. आप भी उनको बस रोकते हैं, अदरवाइज वो नहीं रोकते अनलेस वहाँ पर कोई खड़ा हो जिसने आप बस में जाना हो तो वो बस को आगे हाथ दिखा देता तो बस रुक जाती है उसके लिए. एंड तो यहाँ पर एक स्टेशन पर रुक के बस एंड वी आर गोइंग टू प्रेस दिस बटन फॉर. सो अपना है नेक्स्ट स्टेशन. सो वो उसने बोल दिया कि रिंग बेल फॉर पर्थ स्टेशन, विल रिंग दिस बेल. ओके, एंड अब हमारा पर्थ स्टेशन पे जाके ये बस रुक जाएगी हमारे लिए. हम लोग उतरेंगे इसको, बाय बोलेंगे ड्राइवर को और मना नेक्स्ट जो भी हमने बस ट्रेन लेनी है तो उसमें रुक के चलेंगे. थैंक यू. तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर पर्थ स्टेशन. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सामने है पर्थ स्टेशन. तो ये इसका स्टॉप होता है तो यहीं पर बस रुकेगी. आसपास अगर आप उसको हाथ भी दोगे तो नहीं रुकेगी. तो हम लोग चलते हैं स्टेशन के अंदर. ये जो सिटी का स्टेशन है इसके अंदर बहुत कुछ है. जो नॉर्मल कैनिंगटन हो गया अपना, क्वींस पार्क, जो थोड़े से छोटे स्टेशन है वहाँ पर सिर्फ ट्रेन आती है जाती है और वहाँ पर कुछ नहीं होता. जैसे यहाँ पर मेडिकल सेंटर हो गए और बहुत कुछ अवेलेबल है. यहाँ पर ये कुछ सिटी प्लेस का रेस्ट सेंटर है. 50 सेंट कुछ लगते हैं आपको अंदर जाना. ये वो कुछ टॉयलेट्स वगैरह, मतलब जैसे अपने 2 रुपए दे के बस स्टेशन पर जाते हैं ना इंडिया में, तो वही सिस्टम है वो. वहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं तो उस हिसाब से ही है. जैसे यहाँ पर अब कैफेज़ वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है, बट जो छोटे स्टेशन वहाँ पर इतना अवेलेबलिटी नहीं होती. सो दिस इज़ माई स्मार्ट राइडर कार. आपको दिखाते हैं अंदर जाने के लिए कैसे लोग इसको यूज़ करते हैं. सो सबसे पहले हम लोग वहाँ पर देखते हैं
हमारी ट्रेन, हमने आर्मडेल वाली लाइन में जाना है, वो 9 मिनट्स में, बट थॉर्ने वाली 1 मिनट में है। अगर हम नीचे टाइम पर पहुंच जाते हैं तो हम लोग वो 1 मिनट वाली ट्रेन ले सकते हैं। तो आपको अपना स्टेशन में आके प्लेटफॉर्म नंबर पता होना चाहिए, ये तो आप भूल जाएंगे। बाकी आप अगर सर्च करेंगे अपने, आप अपना गूगल मैप पे डाल दो, आपने आप इस लोकेशन पर हो, आपने यहाँ पर जाना है, तो वो आपको बस नंबर, ट्रेन नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर, टाइमिंग्स सारा कुछ बता देगा। बाकी ट्रांसपर्थ करके एक ऐप है, गूगल ट्रांसपर्थ करके आपको एक ऐप मिल जाएगी स्पेशली फॉर पर्थ, वो आपको लाइव लोकेशन भी बता देती है ट्रेन की, ट्रेन या बस की, वो खड़ी है ट्रेन अपनी थॉर्ने वाली लाइन की, ये भी जाएगी बट ये जाने वाली है। आई डोंट थिंक हम लोग कैच कर सकते हैं 30 सेकेंड्स में। चल जी ट्राई थोड़ा भाग के। So this is our station, Kennington. सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेन बात यह है, आपको यहाँ पर ऐसे स्क्रीन मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको ये कार्ड शो करना है, आपको टैग ऑन टैग ऑफ करना ही पड़ेगा ताकि आप ये शो देखो, फिर $1.68। अगर वही कोई नॉर्मल होता है यहाँ पे $4.99 कुछ लग जाता है, तो हमारा टैग ऑफ हो चुका है यहाँ पर, तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट इज़ हम लोग देख रहे हैं अपनी बस कौन सी है, कब आएगी। तो आप अपने स्टैंड नंबर पर ऐसे यहाँ पर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जाओ खड़े होते, मतलब आप अपना फ़ोन पर चेक कर लो सारा कुछ, गूगल पर गूगल मैप से सारा कुछ हो जाता है कि आपकी कौन सी नंबर बस है, आपकी बस कितने बजे आने वाली है, तो सारा कुछ शो हो जाता है जैसे। सो द थिंग इज़ हमारी बस को आने में है 5-6 मिनट्स, तब तक आपको दिखा देते हैं। अगर आपके पास ये स्मार्ट राइडर कार्ड नहीं है तो आपको टिकट्स कैसे लेनी है, तो हम लोग जाते हैं टिकट्स जहाँ से लेते हैं आपको दिखा देते हैं। एंड जब आप नए हों तो प्लीज़ इंश्योर करना कि आपके पास $5 to $10 का नोट हो या कॉइन्स जो भी है, 50-100 वाले नोट्स ये कॉइन्स ये मशीन्स एक्सेप्ट नहीं करती, तो 5-10 वाले नोट्स या कॉइन्स वो अपने पास ज़रूर रखना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आपको लेना, अगर आपके पास स्मार्ट राइडर कार्ड नहीं है। असल में तो इफ़ यू आर स्टूडेंट तो प्रायोरिटी करना कि अपनी यूनि फर्स्ट डे ही जाके अपना स्मार्ट क्रेडिट कार्ड बनवा लो। सो यू कैन सी टच टू बाय स्क्रीन, यहाँ पे आपको कौन सी लेनी है। हम लोग ऐसे स्टैंडर्ड लेते थे जब कोई, तो ये 2 to 9 जोन का इनका बिल्कुल रेट सेम होता है, तो अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है, यहाँ से आपको नोट्स वगैरह डालने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको कार्ड जो भी है, नहीं तो आप अपना कार्ड यहाँ पर वीज़ा टैप करने वाला टैप कर सकते हो। ओके यू कैन सी, ओके वी विल कैंसिल हियर फॉर द मोमेंट, सो यू कैन परचेज दिस टिकट लाइक दिस। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो आप टिकट लेते हो 2 to 9 जोन वाली, लाइक आप फुल जोन वाली टिकट ले लो, अगर आपने कहीं 2-3 घंटे के लिए जाके वापस आना है, तो आपकी जो फुल आप कंप्लीट 9 जोन वाली टिकट लेते हो तो वो आपकी 3 आवर्स तक वैलिड होती है। आप 3 घंटे तक किसी भी ट्रेन किसी भी बस में जा सकते हो फ्री, मतलब वो एक टिकट लो 3 घंटे तक आप किसी भी ट्रेन में जाओ किसी भी बस में जाओ, दैट इज़ नॉट अ थिंग। ओके वो आप कहीं भी जा सकते हो। एंड स्मार्ट
स्मार्ट राइड में भी सेम चीज़ है, अगर आपका मेरा $1.68 कुछ लग गए, अब जब ये बस लेनी है मैंने तो इस पर नो चार्ज आएगा, बिकॉज थ्री आवर्स से पीछे पीछे है वो। ओके, 3 आवर्स के अंडर मैंने वो नेक्स्ट बस ले लेनी है तो वो फ्री हो जाएगा। तो यही सीन है। एंड अगर आप वही कंसेशन में या वन जोन की टिकट लोगे, मतलब सस्ती देख के, तो वो आप सिर्फ वो एक ही जोन में एक ही टाइम पे यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको वो बेनिफिट चाहिए तो 3 घंटे वाला वो ले लो, नहीं तो $8-9 में आपको डे राइडर टिकट मिल जाती है। वो आप पूरा दिन, आप जब भी लेते हो वो पूरा दिन आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, वो एक ही टिकट चलती है आपकी सारा दिन के लिए। तो ये एक बेनिफिट है। तो ये है था तो कुछ टिकट्स के बारे में। अदरवाइज़ आप जब आओगे, आपको अपने आप थोड़ा बहुत ही हिसाब पता करोगे तो आपको सारा कुछ नॉर्मली पता चल जाएगा। तो दैट्स इट। एंड देखते हैं अपनी बस आने वाली है, वो कैच करते हैं, घर चलते हैं। एंड आपको बस का भी दिखा देते हैं, वो टैग ऑन टैग ऑफ कैसे करते हैं। एंड जब आपको रिंग करनी है बेल, आपका स्टेशन आने वाला है, आपका बस स्टॉप आने वाला है, तो वो आपको बस स्टॉप आ गया तब बेल दबाओगे तो अगले पे ही जाके रुकेगी। आपको अगर बस रोकनी है तो एक स्टॉप पहले आपको बेल दबा देनी पड़ेगी। जैसे आपका चाहे 1 मीटर की दूरी पर, मतलब जैसे 100 मीटर्स की दूरी पर भी यहाँ पर बस स्टॉप्स हैं, तो वो अपना उस हिसाब से देख लेना। ओके, आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अदरवाइज़ जब आप किसी भी बस में, किसी भी बस में जा रहे हो, तो आप अपने ड्राइवर से पूछ लो कि मैंने ऐसे ऐसे यहाँ पर जाना है, इज़ दिस द करेक्ट बस, तो वो आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, वो आपको सारा कुछ बता देंगे कि हाँ अगर आपकी ये बस सही नहीं है तो आपको नेक्स्ट बस कौन सी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। एक मेरे साथ हुआ था कि मैंने ये कैट बस गलत ले ली थी, किंग्स पार्क वाली ले ली थी, मेरे को ये स्टेशन वाली चाहिए थी। तो मैंने उस ड्राइवर को बोला, वो कहता यू आर इन द रॉन्ग बस। तो वो मेरे को खुद वहाँ पर एलिजाबेथ कुएं वाले बस स्टॉप पर जाके रुका वो ड्राइवर। एंड वो बस ड्राइवर उतरा मेरे लिए स्पेशली, मेरे को वहाँ तक छोड़ के आया। कहता उसने बोला कि नॉर्मल पीपल गेट कन्फ्यूज बिटवीन दिस कैट बसेस, तो वो अपना चढ़ो जब आप अपने ड्राइवर से पूछ लो, वो बहुत पोलाइटली सारा कुछ आपको बता देते हैं, वो कुछ माइंड नहीं करते, कुछ भी नहीं, वो आपको प्रॉपरली सारा कुछ बता देंगे। सो स्टार्टिंग में जब आपको नॉलेज नहीं है तो आप ड्राइवर से पूछ लो। ओके, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हम भी पूछ अब भी स्टिल आस्क हिम कि इज दिस द राइट बस, इज दिस द करेक्ट बस। तो यहाँ पे हो चुकी है बारिश शुरू, तो चलते हैं, अपनी बस भी आने वाली है। ओके या टाइप का सिस्टम होता है, तो आपको यहाँ से टैग ऑन टैग ऑफ करना पड़ता है। जैसे वो ले रहे टिकट, तो बस के अंदर आपको ड्राइवर से टिकट लेनी पड़ती है। सो वी आर हियर, हम लोग घर पहुँच गए हैं। 1 मिनट की वॉक है सिर्फ, 1 मिनट की भी वॉक नहीं है। सो दिस वॉज ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन पर्थ। आप कैट बस ले सकते हैं, फेरी, वो हम लोग कभी गए ही नहीं, जब कभी जाएंगे तो आपको दिखा देंगे। एंड फिर अपना ट्रेन आ गई और अपना अब नॉर्मल बस होगी। तो यही था सीन, कंसेशंस एंड ऑल। एंड सबसे बड़ी बात, जब भी आप आ रहे हो day 1 या day 2 पे, ट्राई करो अपने यूनिवर्सिटी जाके विज़िट करो और अपना स्टूडेंट कार्ड बनवा लो, बिकॉज आपका स्टूडेंट कार्ड और ये स्मार्ट राइडर आगे पीछे ही है। ओके, यूनिवर्सिटी से ये फ्री बन जाएगा, अगर आप किसी बस स्टॉप से ट्रेन स्टेशन से बनवाते हो वहाँ पर भी बन जाते हैं कार्ड, बट वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए $5 लगते हैं और जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके लिए लगते हैं $10। ओके, सो अपना देखो अपना मनी सेविंग ट्रिक्स जो भी आप फॉलो कर सकते हो यहाँ पर आके। सो यही सब है, आपको रूम टूर कराएंगे, आपको रूम टूर की वीडियो आएगी, फिर जो हमने कार ली है उसके बारे में भी बताएंगे सारा कुछ आपको।
आई वॉज नॉट वेल एंड वेरी बिजी, तो इसलिए कुछ वीडियोज़ वगैरह बन नहीं पाई, तो बट आई विल ट्राई कि अब वीडियोज़ थोड़ा सा बने. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर वॉचिंग मोर एंड मोर फन कंटेंट अबाउट पर्थ एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. So thank you.